नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में टाइगर यानी बाघ के लिए भी अब ज़मीन के पट्टे की ज़रूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि जानवर के पास आराम से घूमने फिरने और रहने के लिए जगह की भारी कमी हो गई है। कहने को तो राज्य में 10 नेशनल पार्क और 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, लेकिन इंसानी आबादी का जंगल तक हुआ विस्तार इस जीव के लिए उसकी कुदरती बसाहट और मूवमेंट का खतरा बन गया है। बीते 18 साल में बाघों की सबसे अधिक मौत की वजह यही रही। कम जगह के चलते जानवर एक दूसरे से संघर्ष में सबसे ज्यादा जान गंवा रहे हैं। इस पर इंसान भी पीछे नहीं है। सन 2002 से 2020 के बीच इंसानों ने शिकार और करंट के जरिए कुल 75 बाघों की जान ले ली। इस पर फिक्र वाली बात यह भी कि टाइगर को बचाने के लिए सुझाए गए कई उपायों पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया है। अब बाघ तो वोट देता नहीं है, इसलिए उम्मीद बेकार है कि जिन राजनीतिज्ञों ने जानवरों के हिस्से की ज़मीन तक पर इंसानों को पट्टे दे दिए, वे उसके लिए भी ऐसा ही कुछ करेंगे। इसलिए टाइगर को अकाल मौत से मरने की मजबूरी है। आज के कार्यक्रम में इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की उस रिपोर्ट के बारे में जिसने राज्य में बाघों की स्थिति का कई मायनों में गंभीर किस्म का खुलासा किया है। मध्य प्रदेश के वन विभाग की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश का दिल कहे जाने वाले इस राज्य में बाघ के लिए दिलदारी का माहौल नहीं रह गया। कहने को तो ये टाइगर स्टेट है, लेकिन आलम यह है कि इस जीव के लिए चलने फिरने, शिकार करने और सुकून से रहने की जगह का यहाँ भारी अभाव हो गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट को यूँ समझिए। मध्य प्रदेश में सन 2002 से 2020 तक के 18 साल में संरक्षित और गैर संरक्षित इलाकों में 290 बाघ मरे। इनमें से 40 का शिकार किया गया और 35 को करंट लगाकर मारा। 2012 के बाद मानव द्वारा शिकार के मामले बढ़े। 2002 से 2020 के बीच हुए 290 मौतों में से प्राकृतिक मौत 37%, फिर इंसान के कारण हुई मौत 31%, दूसरे टाइगर द्वारा हुई मौत 29%, अज्ञात कारणों से हुई मौत 3% रही। बाघ की प्राकृतिक कारणों से मौत सन 2010 तक तेजी से हुई और फिर यह आंकड़ा घटा। इंसान के कारण बाघ की मौत के मामले में सन 2016 के बाद कमी आई है, लेकिन जगह को लेकर बाघों की आपसी लड़ाई के चलते मौत के मामले बढ़े हैं। 18 साल की इस अवधि में मानव के चलते बाघ की मौत के मामले में 44% शिकार उसके नाखून और खाल सहित शरीर के अन्य हिस्सों के लिए किए गए। इस अवधि में कुल मौत में से 38% उसे करंट देने से हुई मौत। मौत के 18% मामले वो रहे जिनमें बाघ को जहर देकर मारा गया है। मारे गए बाघों में नर और मादा सहित सभी उम्र के बाघ शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान नर बाघों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। प्राकृतिक कारण और इंसान के कारणों से बाघ की सबसे ज्यादा मौत हुई है, लेकिन इन कारणों से होने वाली मौतों में भी गिरावट दिख रही है। रिपोर्ट में इसका कारण शिकार पर सख्ती से रोक और जख्मी बाघों की समय से चिकित्सा के प्रबंधों को बताया गया है, लेकिन बाघों की आपसी लड़ाई से मौत जारी है। इसकी वजह छोटे बाघों की बढ़ती संख्या और उस हिसाब से उनके लिए पर्याप्त जगह की कमी हो सकती है। रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश के कई टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती आबादी की तुलना में उनके लिए जगह की कमी है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राज्य के सभी टाइगर रिजर्व में बाघ के लिए उसके अनुकूल रहने की जगहों का चयन और उनका विस्तार किया जाए। रिपोर्ट में टाइगर के स्वच्छंद वातावरण के लिए पर्याप्त गलियारों की भी वकालत की गई है। 18 साल के दरमियान बाघ की प्राकृतिक कारणों से सबसे ज्यादा 12 मौत सन 2009 में हुई, जबकि इंसान के चलते सबसे अधिक 12 मौत सन 2017 में दर्ज की गई। बाघों के बीच आपसी संघर्ष में सबसे ज्यादा 16 मौत सन 2020 में हुई। इसी साल में बाघ के अज्ञात कारणों से सबसे अधिक मौत 4 के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, बाघ की हिफाजत के लिए वन विभाग ने राज्य के सभी नेशनल टाइगर पार्क से गुजरने वाली 11 केवी लाइंस को इंसुलेट करने का प्रस्ताव भेजा था। 8 साल पहले केवल कान्हा में कुछ जगह ऐसे होने की बात कही जा रही है,
हालांकि प्रदेश में बाघ की रक्षा की खातिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और 73 के प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कठोर कदम उठाए गए। मध्य प्रदेश में चंबल, माही, नर्मदा, ताप्ती, केन और सोन सहित बेतवा नदी के वाटरशेड के चलते टाइगर और अन्य वन जीवों को ठिकाना मिला है। इसके बावजूद जगह की कमी के कारण बाघ के अस्तित्व पर संकट कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इन हालात के बीच ये भी बता दें कि बाघ की कुदरती बसाहट और मूवमेंट के लिए जगह बढ़ाने के तमाम उपाय भी राज्य में नाकाफी साबित हुए हैं। भोपाल से लगे रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने का मामला कई सालों से अधर में लटका हुआ है। इंसानी घुसपैठ का ही नतीजा है कि राजधानी भोपाल के घटते जंगलों से निकलकर बाघ शहरी इलाकों तक आने लगे हैं। इससे किसी बड़े हादसे सहित बाघों के शिकार की भी आशंका बढ़ जाती है। दरअसल मामला तब बिगड़ जाता है जब बाघों के मामले में ये तो कहा जाता है कि उनकी संख्या प्रदेश में बढ़ रही है, लेकिन इस बात को कोई भी सरकार दावे से नहीं कह सकती कि उनके रहने, घूमने, आराम करने और प्रजनन के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई गई है। कई जगह पर इस तरीके की स्थितियां देखने में आ रही हैं कि जिस स्थान पर बाघों की बसाहट पहले हुआ करती थी वहां अब इंसानी बस्तियां बस गई हैं। इनके चलते सारी चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत के लिए दिल्ली से संगीता डोगरा जुड़ गई हैं। मैं उनका परिचय करा दूं। संगीता वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सहित नेचर लवर के रूप में खास पहचान रखती हैं। उनका एनजीओ रेड लाइनेक्स वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों की दशा और दिशा पर लगातार काम करता चला आ रहा है। साथ ही अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पेटेरिया भी हमसे इसी मसले पर बातचीत करेंगे। संगीता जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। अभी आपने जिस रिपोर्ट को हमने दिखाया, आपने उसको भी सुना होगा, NTCA की रिपोर्ट है संगीता जी। और एक आध फैक्ट में और आपको बता दूं ताकि उसके आधार पर हम चर्चा कर सकें। रिपोर्ट में ये भी कि दो साल में मध्य प्रदेश में 125 बाघों को नई टेरिटरी की ज़रूरत पड़ेगी और उनके बीच में एक बार फिर से आपसी संघर्ष बढ़ेगा। मंत्री जो हैं यहाँ के, फॉरेस्ट मिनिस्टर, उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 90 की कैपेसिटी है और उसके अगेंस्ट में 125 वहाँ रखे गए हैं। एक बाघ को 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए रहता है, जो मध्य प्रदेश में पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। और राज्य में नए 11 सेंचुरी बनाने का जो प्रपोजल था वो भी आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संगीता जी, आपको राज्य में बाघ के संरक्षण की दिशा में चल रहे काम किस तरीके के नजर आते हैं? काफी खराब रिपोर्ट्स रही हैं। और अगर हम देखें तो जो टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम एक शुरू किया गया था, और टाइगर रिलोकेशन में ये था कि मध्य प्रदेश में जो टाइगर्स की आबादी बढ़ रही है और इंसानों की आबादी बढ़ रही है और जो जगह कम पड़ रही है उसी को ध्यान रखते हुए टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम शुरू किया था, CSS प्रोजेक्ट। लेकिन उस प्रोजेक्ट को बहुत बुरी तरह से हैंडल किया गया, उसको ठीक से हैंडल नहीं किया, एक्सपर्टीज नहीं थी, जिस वजह से वो टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम कैंसिल हुआ। यहाँ से दो बाघ भेजे गए थे, एक टाइगर महावीर और दूसरा टाइगर सुंदरी। टाइगर महावीर की मॉनिटरिंग का काम पहले 3 महीने मध्य प्रदेश का था, इन्होंने उसको कोई मॉनिटर नहीं किया, उसको वापस भी नहीं लेकर आए। और टाइगर सुंदरी 2 साल से उड़ीसा में बंद है, छोटे से घेरे में, बहुत ही छोटी जगह में। और टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम अगर अच्छे से हैंडल किया जाता तो ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आती। निश्चित रूप से। लेकिन इसके अलावा भी जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, सबसे पहला तो हम आपसे जानना चाहेंगे एज एन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कि इसकी बाघ के मूवमेंट का इलाका बढ़ाने के लिए, उसके आराम के, उसका प्रजनन का इलाका बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी कोशिशें हैं जो आपकी समझ में मध्य प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी नहीं कर रही है? पहले तो जो इनकम्पैटिबल फार्मिंग हो रही है, जंगलों के आसपास जो फार्मिंग हो रही है वो कुछ ऐसी है जो वाइल्ड लाइफ से बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है। तो इको फार्मिंग जो है उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फार्मिंग भी बढ़ानी है हमें, जंगल भी देखने हैं और लोग भी देखने हैं। अब फार्मिंग भी वही हो रही है और जंगल के अंदर जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो खत्म हो चुके हैं, जो
अब ये काफी दूसरी दिशा में चला जाएगा, लेकिन जो जंगलों में ये मलबा फेंक रहे हैं बिल्डर्स वगैरह, जिस वजह से नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट के खत्म हो चुके हैं, पानी नहीं है तो पूरी फूड चेन खराब है, बाघ जो है वो बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वहां पे इनकम्पैटिबल फार्मिंग है, तो अपनी गाय और भैंसे वगैरह चराने के लिए लोग चले आते हैं अंदर, उसी को चेस करते करते टाइगर बाहर निकल जाता है। और जिस इको फार्मिंग का काफी टाइम से चला आ रहा है जो सिलसिला है बातचीत में, अगर उस पर ध्यान दिया जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। जी हाँ, इको फार्मिंग का आपने कहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस दिशा में कि बाघ बचाए जा सकें। संगीता जी, हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे विषय पर कुछ बात करने चाहेंगे। प्रभु जी। हाँ संगीता जी, जो आपने सतकोसिया का जिक्र किया, उड़ीसा दो टाइगर भेजे गए थे, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मध्य प्रदेश का एक बाघ मध्य प्रदेश से करीब 900 किलोमीटर का सफ़र करके गुजरात पहुंच गया था, जिसको वापस लाने की कोशिश की गई। यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी बात की थी और गुजरात सरकार ने देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, लेकिन वहाँ वो शिकार हो गया। जो विषय हमारा है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि बाघों के लिए अब जंगल बचा नहीं है, जंगल कम हो रहा है, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसके आसपास जो फार्मिंग हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ये जो इंसानी दखल लगातार बढ़ रहा है, जो माइनिंग लगातार टाइगर एरिया में हो रही है, या एक ये कहें कि मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल से एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि टाइगर कॉरिडोर बनाना है, एक नेशनल पार्क को दूसरे नेशनल पार्क से जोड़ने का एक कॉरिडोर बनाने का काम है जो आज तक पूरा नहीं हो सका। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कागजों पर चलते हैं, वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठकें केवल माइनिंग के लिए होकर रह जाती हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें, सेंट्रल लेवल की बात करें, पूरा ध्यान सरकारों का उस पर ज़्यादा होता है कि वहाँ से ज़्यादा दोहन हो सके, वन क्षेत्र से ज़्यादा वहाँ से मिनरल्स निकाले जा सके, बाघ को बचाने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसको लेकर आपका संगठन क्या कदम उठा सकता है और इसको लेकर अवेयरनेस की क्या ज़रूरत है? मैं अभी ये जो खनन हो रहा है ये तो बहुत बड़ी दुविधा की बात है कि खनन तो हमने शुरू कर दिया कि काफ़ी मिनरल्स वगैरह है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खनन हो रहा है, लेकिन जब वो खनन पूरा ख़त्म हो जाएगा तो जंगलों का क्या हाल रहेगा? उसके लिए जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं उनका बनना बहुत ज़रूरी है। और दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि जितनी भी ये जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं और सेंट्रल अथॉरिटीज़, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। मध्य प्रदेश को ये नहीं पता कि आसाम में क्या हो रहा है, आसाम को नहीं पता उड़ीसा में क्या हो रहा है, और एनटीसी को नहीं पता कि स्टेट क्या कर रहे हैं। तो सब ऐसे फैला हुआ है जिसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है। जो स्पीकिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको सेंट्रलाइज सिस्टम में जब तक नहीं लाया जाएगा, ये टाइगर कॉरिडोर की बातें फाइलों में ही रह जाएंगी। सिस्टम में सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग होगी, डिजिटलाइजेशन होगी, तो बहुत ज़्यादा सबकी उस पर नज़र रहेगी, काम अच्छे से हो पाएगा, पर वो चाहते ही नहीं शायद कि उसे सेंट्रलाइज किया जाए सिस्टम को। संगीता जी, आप काम कर रही हैं, वाल्मीकि थापर जी जैसे लोग काम करते रहे इस क्षेत्र में, बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में टाइगर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एनटीसीए जो एजेंसी है उसने एक नए नियम बना दिए हैं कि टाइगर की मॉर्टिलिटी की जो रिपोर्टिंग होगी वो तभी उसको रिपोर्ट करेंगे जब उस स्टेट की गवर्नमेंट या उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको कन्फर्म करेगा। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी जो शिकार के घटनाएं होती हैं उसको वो बताते ही नहीं है, छुपा जाते हैं, वो कहते हैं कि आपस में दो बाघों की भिड़ंत में मौत हुई है या अपने नेचुरल डेथ हो गई है उसकी। तो क्या एनटीसीए का जो मूल दायित्व है, आपको नहीं लगता एनटीसीए उससे कहीं ना कहीं भटक गया है? एनटीसीए को जो गाइडलाइंस बनी है वो बिल्कुल सही बनी है, जो एक चीज की कमी है वो है रेगुलेटरी अथॉरिटी। एनटीसीए के पास कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो उनको हाल फिलहाल में मैंने चिट्ठी लिखी थी, 2 हफ्ते हो गए हैं कि एनटीसीए को रेगुलेटरी अथॉरिटी की पावर दी जाए, अदरवाइज तो एनटीसीए वही हो गया, एक बाघ है जिसके ना दांत है जिसके ना नाखून है, जो कुछ नहीं कर सकता। और ये जो सेंट्रलाइज है इसको होना बहुत ज़रूरी है, गाइडलाइंस को एक सेंट्रलाइज सिस्टम पर लाने से काफ़ी मॉनिटरिंग जो है वो हो जाएगी, तो इवेलुएशन और मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है सीपीआईओ। सीपीआईओ का काम है सुमोटू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे डिस्ट्रिक्ट से, वो नहीं करते हैं, उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने में। तो पूरा सिस्टम फैला हुआ है,
इस वजह से पहले तो बिखरे हुए सिस्टम को सही करें, तब ये सारी चीजें सही होंगी। उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे होना बहुत जरूरी है कि स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट को एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी में लेकर आए और फिर NTC उन सब स्टेट्स को मॉनिटर करे। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे रत्नाकर जी अभी बता रहे थे कि 125 दो साल में ऐसे नए 125 बाघ आने वाले हैं जिनको टेरिटरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए टेरिटरी नहीं है। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर एक रातापानी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने का मामला 8-10 सालों से लंबे चल रहा है। 11 नई सेंचुरी बनाने का प्रपोजल था, वो उसको लेकर सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। एक बड़ी समस्या यहाँ पर और दिखाई दे रही है, जो टाइगर एरिया है वहाँ पर तो उनके लिए जगह कम हो गई है। यदि हम भोपाल की बात करते हैं तो 2004 में भोपाल कलेक्टर ने यहाँ का जो केरवा डैम के आसपास का एरिया है, आपने भी सुना होगा, जो वहाँ पे बहुत सारे टाइगर हैं, 30-32 टाइगर वहाँ पे आके गए हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों के वहाँ पे फार्म हाउस बन गए हैं, होटल्स बन गए हैं। उसका एक बहुत बड़ा एरिया कलेक्टर ने उसको सरकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि वो जंगल की ज़मीन थी, बड़े झाड़ छोटे झाड़ की जंगल थी। उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्लेम किया था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, 2004 में कलेक्टर ने आदेश कर दिया था। लेकिन अब उसी वन विभाग के अफसर उस रिपोर्ट को, कलेक्टर के आदेश को लागू नहीं करा रहे हैं, उस पर अभी तक कुंडली मारकर बैठे हुए, एक ये मामला है। दूसरा, यदि हम आगे जाते हैं थोड़ा बढ़कर, तो पन्ना टाइगर रिजर्व है जहाँ की बिल्कुल टाइगर वैनिश हो गए थे, एक भी टाइगर नहीं बचा था रिलोकेशन के बाद, अब वहाँ 30-35 टाइगर हैं। वहाँ पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट एक आ रहा है, उस प्रोजेक्ट के कारण वो टाइगर रिजर्व पूरा दो हिस्सों में बट जाएगा, तो जो टाइगर का जो आपस में जो संपर्क होता है वो ख़त्म हो जाएगा, एक उनका बड़ा एरिया सबमर्ज हो जाएगा, डूब में आ जाएगा। तो ऐसी स्थितियां जो कि इंसानी ज़रूरत है, यदि हम केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ज़रूरत है, विकास के लिए ज़रूरत है, लेकिन इसका उपाय क्या होना चाहिए? क्या दूसरी जगह सरकार जंगल दे उनको बनाकर, या कोई सीमाएँ तय करे, इसको लेकर आपके जैसे संगठन क्या काम कर सकते हैं? जो NTCA की जो गाइडलाइन, NTCA जो फ्रेम हुआ था 2005 में जब स्थापित हुआ था, तो वो इन्हीं बातों को लेकर स्थापित हुआ था कि पॉपुलेशन बढ़ेगी और जंगल के अंदर जो रह रहे हैं लोग उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब एक NTCA के जो स्केड्यूल हैं, 6 स्केड्यूल हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, तो उसमें जो 6ठा स्केड्यूल है उसमें ये था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप्स उठाने हैं, और दूसरा ये था कि कंपैशनेटली जो बहुत बहुत सेंसिटिवली जो जंगल के अंदर लोग रह रहे हैं उन्हें हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना ज़रूरी है, जिसके लिए करोड़ों रुपए का फंड है, लेकिन वो सरकार उसको इस्तेमाल नहीं कर रही है, ना CAG की रिपोर्ट पे ध्यान देती है। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कुछ अधिकारियों का, टाइगर कंजर्वेशन या फॉरेस्ट कंजर्वेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बात घूमकर वहीं आती है कि टाइगर कॉरिडोर्स का होना, जो आपने शुरू में कहा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो कहीं नहीं है, पूरी मिनिस्ट्री में, स्टेट और सेंट्रल से अगर आप देखेंगे या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो रेगुलेशन का कोई वो नहीं है। अगर कोई भी ऐसी चीज है, अगर मैं कुछ ऑफिसर्स गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहे हैं बताना चाहती हूँ, तो कोई अथॉरिटी नहीं है सिस्टम के अंदर जो इसको रेगुलेशंस को कंट्रोल करे या उस पर कॉग्निजेंस ले। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो मिसिंग है, और अगर ये नहीं बनेगी तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉपुलेशन का इशू है, वो जानवरों का या फिर इंसानों का कुछ नहीं है। इसमें ऑफिसर्स को प्रोएक्टिवली कोई ना कोई अप्रोच लगानी पड़ेगी, जो वो नहीं लगा रहे हैं, अंदर ही अंदर वो आपस में लड़ते रहते हैं, दैट इज नॉट समथिंग वेरी हेल्दी। संगीता जी, यहाँ एक सवाल और उठता है, जैसा कि अभी आपने कहा कि टाइगर कॉरिडोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो रिपोर्ट बताती है कि आने वाले दो साल में 125 बाघों को जगह की कमी पड़ सकती है, तो अब सरकारों का जिस हिसाब से काम चल रहा है, जैसा आपने भी कहा, जैसा हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु जी ने भी कहा, तो ये बाघ जो दो साल बाद 125 के करीब नज़र आने वाले हैं, या जो बाघ अभी मरने के लगातार मर रहे हैं इस जगह की कमी के चलते, इनके लिए फौरी तौर पर सरकारें क्या कर सकती हैं, कुछ इनको क्या सुझाया जाना चाहिए इस दिशा में, क्योंकि ये कॉरिडोर वगैरह तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं जहां बिल्कुल टाइगर नहीं है, झारखंड में नहीं है, नागालैंड में टाइगर्स नहीं है, तो ये टाइगर रिलोकेशन से ही इमीडिएट सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। जी जी, और हमने क्योंकि जब टाइगर महावीर
जी सॉरी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। टाइगर महावीर और सुंदरी को जब भेजा गया था तो वहां जो टीम थी वो बिल्कुल इक्विप्ड नहीं थी। अब यहाँ से अगर हम आज कहें कि 125 में से चलिए 25 टाइगर्स को हम भेज देते हैं, लेकिन क्या उतनी बड़ी टीम है, रेस्क्यू टीम है, क्या उस टाइगर को वहाँ लोकलाइज करा पाएगी? प्लानिंग नहीं है, अगेन सारी चीजें आ जाती हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी पे कि रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों नहीं है जी। तो इमीडिएट जो है टाइगर्स को रिलोकेट करना बहुत जरूरी है। टाइगर रिलोकेशन को NTCA ने सस्पेंड कर दिया था पिछले साल 19 दिसंबर 2019 का लेटर है कि भाई आप टाइगर सुंदरी को ला नहीं रहे हैं, और जब तक आप, क्योंकि आपने ये प्रोग्राम इतनी खराब तरीके से हैंडल किया है कि अब हम इस प्रोग्राम को सस्पेंड कर रहे हैं जी। उस टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम को चालू करना बहुत जरूरी है, और एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ। संगीता जी, आपका वाइल्ड लाइफ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपका ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय से काम कर रहा है, न सिर्फ मध्य प्रदेश की हम बात करें, अगर सब तमाम देश के संदर्भ में लें तो एक NGO के, एक नेचर लवर के लिहाज से आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, खास तौर से टाइगर प्रोटेक्शन के मामले में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या नज़र आते हैं आज की तारीख में? कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनको कानून पता नहीं है, वो सिर्फ फाइलों में कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, कोर्ट के डायरेक्शंस होते हैं, वो फाइलों में पड़े रह जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक पिटिशन डाली, उस पर मैं ज्यादा बात तो नहीं कर सकती, लेकिन जब एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एक टाइगर है ह्यूमन लैंडस्केप में गया है, तो 144 CRPC की धारा लगाई जाती है, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की डायरेक्शंस है। उनको नहीं मालूम, वो उनका कहना है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इसको लगाता है। एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में 49th मीटिंग में ये बात कही गई थी, उनको यही नहीं मालूम है, वो अपना टाइगर पकड़ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, तो आगे उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये सबसे बड़ी चीज है कि उनको कानून नहीं पता, उनको डायरेक्शंस नहीं पता, गाइडलाइंस नहीं पता, या वो करना नहीं चाहते। जी, मध्य प्रदेश के बारे में भी रिसेंटली बात सामने आई थी, क्योंकि इस राज्य को एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है कि टाइगर स्टेट का खिताब इससे छीन लिया जाएगा। तब एक बात बड़ी अजीब सी सामने आई थी कि यहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिन लोगों को जंगल के अंदर भेजा जाता है, वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो लोग सिर्फ फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हें पता नहीं रहता चीज़ों का। तो सबसे पहली बात तो है कि वो टाइगर के कंजर्वेशन की दिशा में कुछ नहीं कर पाते, दूसरा यदि वहाँ पोचिंग का मामला सामने आता है तब भी वो इतने कैपेबल नहीं रहते कि पूरी तरीके से उसके एविडेंस जुटा सकें, और यही वजह कि कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है मध्य प्रदेश में टाइगर के शिकार के मामलों में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस पर ये है कि अभी मेरे पास कुछ कागज आए थे जिसमें ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उनको मॉडर्नाइज करना चाहिए चीजों को, वो टॉर्च खरीद रहे हैं, उसके लिए एंटी विनॉम खरीद रहे हैं। एंटी विनॉम और टॉर्च खरीद कर आप कैसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करेंगे? आप टाइगर कॉरिडोर, जैसे सर ने कहा कि आप टाइगर कॉरिडोर जो है उसको क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, रातापानी जो है उसको क्यों आप काफी, वहां तो काफी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, एकदम हरी भरा एरिया है, उसको क्यों नहीं आप नोटिफाई कर पा रहे हैं? ये लास्ट ईयर बात हुई भी थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि कागज सिर्फ फाइलों में जा गया। जी, तो ये विल इशू है और थोड़ा बहुत तो स्किल इशू भी है। जी, निश्चित रूप से हमने आपके NGO के तौर पर रुकावट के एक्सपीरियंस जाने की किस वजह से इस काम में रुकावट आ रही है। प्रभु पटेरिया जी ने लंबे समय तक इस फील्ड को कवर किया है और उनकी ख्याति यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के तौर पर भी है। प्रभु जी हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि सरकारी तंत्र किस तरीके से एक मकर जाल गूंथ चुका है कि जिसके चलते बाघों के संरक्षण की दिशा में योजनाएं तो बनी लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। देखिए रत्नाकर जी, कमियाँ कहीं भी रहती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं, जो टाइगर रिलोकेशन की जो बात की संगीता जी ने, मध्य प्रदेश का पन्ना पूरी दुनिया में एक उदाहरण बनकर सामने आया है, जहां पर एक भी टाइगर नहीं बचा था, वहां बाहर से टाइगर भेजकर आज 35 से ज़्यादा टाइगर्स हैं वहां पर। तो वो काम करने वाले भी फॉरेस्ट के वही अधिकारी थे, वही लोग थे, केवल उनको ऊपर से सरकार का एक हाथ था कि आपको ये काम करके दिखाना, उन्होंने काम करके दिखाया। वही अधिकारी फील्ड में है बाकी जगह पर भी, लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ध्यान हमारा जो है मिनरल्स पर ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन ज़्यादा ज़्यादा किया जाए, हम विकास की दौड़ में इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हमको संतुलन नहीं दिखाई दे रहा कि हमको कहाँ संतुलन साधना है, हमको अपनी ज़रूरतों को कम करना होगा। यदि आप ये मान के चीजिए, इकोसिस्टम जो पूरा है उसका केंद्र बिंदु है टाइगर,
टाइगर है तो इकोसिस्टम है, यदि टाइगर नहीं है तो आपका ना तो जंगल है, ना आपके लिए पानी बचने वाला है, ना आपके लिए शुद्ध हवा मिलने वाली, जिन समस्याओं से आम इंसान जूझ रहा है। तो इसलिए टाइगर को बचाना इसलिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपने अभी बात कही कि कई अधिकारी ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग नहीं होती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि चाहे IFS हो या राज्य सेवक अफसर हो, रेंजर जैसा, उसकी ट्रेनिंग में शामिल है वाइल्ड लाइफ का, वो ट्रेंड अफसर है, लेकिन वो काम या तो वो काम नहीं करना चाहता है, गलत काम करना चाहता है, या उसको काम करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, वो राजनीतिक यदि कोई प्रशय दबाव है उसमें आ जाता है, तो उसको रोकना होगा। आपका जो दायित्व है, आपकी जो जिम्मेदारी है, आप फॉरेस्ट के ऑफिसर हैं तो आपको केवल और केवल फॉरेस्ट के लिए काम करना होगा। मैं मध्य प्रदेश के कई ऐसे अफसरों को जानता हूँ, एक अफसर के साथ मैं कान्हा क्षेत्र में जा रहा था, उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था, एक महिला लकड़ी बीन रही थी, सूखी लकड़ी, वो गाड़ी से उतर गए, उसको पकड़वाने के लिए उतारू हो गए कि तुमने जो है कान्हा एरिया जो संरक्षित एरिया है यहाँ से लकड़ी कैसे उठाई। तो इस तरीके के भी अफसर हैं काम करने वाले, लेकिन बस वही है कि जो जुनून है वो जुनून या तो नेता ख़त्म कर देते हैं या परिस्थितियां बदल देती हैं, क्योंकि जब वो नया अफसर आता है फील्ड में तो वो बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ आता है, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं जो ना हो उनके पक्ष में ना हो, लेकिन उनको अपने जुनून के साथ काम करना चाहिए। और टाइगर यदि आप बचा रहे हैं तो आप पूरी मानव बिरादरी के लिए, पृथ्वी के लिए काम कर रहे हैं, ये सोच कर काम करना होगा। और मध्य प्रदेश बहुत अच्छा उदाहरण, रत्नाकर जी, हम कम हो गए थे टाइगर हमारे यहाँ, फिर टाइगर स्टेट हो गया मध्य प्रदेश, और जो रिपोर्ट बता रही है कि 125 नए टाइगर हमारे यहाँ जुड़ने वाले हैं, तो बस उनको संभालने की ज़रूरत है। टाइगर के लिए आप जगह दीजिए, इंसानों का दखल कम कीजिए वन क्षेत्र में, जैसा संगीता जी भी कह रही हैं कि वहाँ पर फार्मिंग कम कीजिए, आप कॉरिडोर बनाने की भी उन्होंने बात कही और तमाम इंतजाम इस दिशा में किए जाने होंगे। चर्चा बहुत अच्छी थी, लेकिन माफ़ी चाहेंगे समय की थोड़ी सी बाध्यता हमारे साथ। संगीता डोगरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप थे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट संगीता डोगरा जी और हमारे एसोसिएट एडिटर बू पटेरिया जी। अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आखिरी में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल रह जाता है कि बाघ ही नहीं रहेंगे तो टाइगर स्टेट का फिर क्या होगा। उसके लिए जगह की ज़रूरत है, प्रयासों की ज़रूरत है, ईमानदार कोशिशों की ज़रूरत है, और वो देखने वाली बात है कि उस दिशा में सरकारें कब और कैसे ऐसा काम करें कि टाइगर स्टेट वाकई में पूरी दुनिया के सामने एक टाइगर स्टेट बनकर सामने आए। अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।